गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति वो तो लग रहा है, लेकिन तू अपने गले में अपना जीजा डाल के क्यों घूम रही है? अरे बाबा, गले में ही जीजा डाल के घूमेगी ना, क्योंकि जीजा का तो गला ही नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हमारा गला नहीं है, लेकिन जब हम किसी के गले पड़ते हैं ना, तो उसका मुंह नाप भी तक ले आते हैं। आई बात समझ में? अच्छा जी, आज देखिए खुशी का दिन है, आज गणपति है, चलिए सब लोग पैसे निकालिए। पैसे? हाँ? किस बात के पैसे? अरे क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी मैं हूँ, और त्योहारों पे तो छोटों को पैसे मिलते हैं। 7 महीने जेल काट के आई है छोटी, देख लो, तेरे को शर्म नहीं आती? बल्ब जैसा मुंह लेके झूठ बोलती है। अरे तो मेरा जन्म ही हुआ है लोगों की जिंदगी में रोशनी लाने के लिए। वैसे जीजू, आप ही दे दो ना बधाई। देखो भूरे, साली और बीवी के नाम पे जो तुम्हारे पिताजी ने हमको दिया है ना, उस हिसाब से सिर्फ गालियां बनती है। लेकिन आज का दिन जरा अच्छा है तो अवॉइड इट। ओए बच्चा, तेरी इतनी हिम्मत? भूरी, तू ढोल बजा, मैं इनका नगाड़ा बजाती हूँ। भाभी शर्म करो, अर्चना स्टेज पे खड़ी है, कुछ तो लिहाज करो उनका। हाँ सही बोले ले कप्पू, हालांकि अर्चना जी किसी का लिहाज नहीं करती हैं, लेकिन अर्चना जी का लिहाज करना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। अर्चना जी, आप इतने सीनियर आर्टिस्ट हो, खामखा इतने फेमस लोगों के बीच खड़े होकर नर्वस काहे को होने का? आप आराम से बैठिए अपनी कुर्सी पे, हंसिए, फ्री में पैसा कमाइए। तू बड़े बड़े आर्टिस्टों की बात कर रही है? अरे इस अर्चना ने बड़े बड़े आर्टिस्टों का मर्द से औरत बनने का सफर देखा है। हाँ। अब तू कर औरत बन के एक्टिंग। गणपति की जय जयकार, गणपति की जय जयकार। चलो चलो चलो, पैसे निकालो। अरे यार, अरे क्या पैसा पैसा लगा रखा, हम लोग आर्टिस्ट है, सोनी टीवी नहीं है जो बात बात पे पैसा दे डालेंगे। वाह तितली, वाह मजा आ गया। मुआ, 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 मुआ। तो फिर चलो शगुन दो। इस त्योहार में शगुन कौन देता है? तो जिस त्योहार में देते हो उसमें कौन सा आपने बंगलो मेरे नाम कर दिया था? रक्षाबंधन पे इस बंदे ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। रक्षाबंधन पे हम क्यों देंगे? अरे भाई देता है बहन को, भाई से मांगो। मांगो हैं? पिचकारी जैसी लड़की का जीजा बन सकते हो, 11 बच्चों के बाप बन सकते हो, मेरा भाई बनने में क्या मौत पड़ती है तुम्हें? तो बता, तुम लोगों की फालतू बातों की वजह से सोनी साहब को ये शो 1.5 घंटा चलाना पड़ता है, ये तो शो तो हमारा 1 घंटे का ही है। एक मिनट, सब लोगों पे इल्जाम क्यों लगा रहे ले? 1.5 घंटा हम लोग की वजह से होता है, ये जब आती है तब ऐड आता है। हाँ तो फिर देख लो ना कि किसकी वजह से ऐड आ रहा है, ऐड से ही तो पैसे आते हैं। पैसे की बात कर रही है, दाल और चावल तो सोनू सूद से ट्वीट करके मंगवाती है। कप्पू मालूम है बहुत चालाक औरत है। अच्छा? हाँ, सोनू सूद को ट्वीट करके बोलती मेरे को कलकत्ता भेजो। अच्छा? कि कलकत्ता पहुंची, वहां से ट्वीट करती मेरे को मुंबई भेजो, फिर मुंबई आके बोलती मैं तो ट्रिप पे गई थी। बहुत श्रेणी है। ओ, मेरी बात सुनो, लोग पहले 5 महीने घर बैठे बैठे बोर हो गए। हाँ। तुम लोगों की बातें सुनकर कहीं टीवी ना तोड़ दे अपना। तोड़ दे तो तोड़ दे, फिर हम बड़े पर्दे पे आएंगे ब्रो। बड़े पर्दे पे आएगा धोती में पूरा, तू आता नहीं है। तुझे पता अब तू इस तरफ खड़ा ना, तो जिनके टीवी में तू आ रहा है उनका टीवी इस तरफ हो जाएगा। इस तरफ आता है टीवी, इस तरफ हो जाता है। सही बात कह रहे हैं ये। इधर हो ना गणपति भगवान जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बच्चों के मुझे 11 ऑप्शन दे दिए, पति के भी 2-3-4 वैरायटी दिखा देते तो मजा ही आ जाता। इनकी वजह से कितना शर्मिंदा होना पड़ता है मुझे। ओ मिसेस शर्मिंदी, हमें भी बीवी का सिर्फ 1 ही ऑप्शन मिला, पता है ना? हाँ, तो तुम्हें तो पहला ही ऑप्शन ब्यूटीफुल मिल गया।
और मुझे देखो क्या मिला, मोटू फुल। आए बड़े क्या कर रही तू, कब से हंस रही है? तेरे को कितनी बार कहा है ज्यादा मत हंसा कर, मुंह से झाग निकलने लग जाती है। इतना बड़ा शुभ दिन है, तू घर से आई थी मोदक ही बना के ले आती। अरे मैं कहां से बनाकर लेके आती, मोदक को तो अपने पति बना के रखा है। सही बोली, बदतमीज कहीं की, मोदक लगते हैं वो लगते हैं थोड़े थोड़े लगते हैं। ओए सुनो, चलो अपनी मिठाइयां लो और निकलो यहाँ, चलो मेहमान आने वाले यहाँ पे। एक दो तीन चार, गणपति की जय जयकार। एक दो तीन चार, गणपति की जय जयकार। गणपति बप्पा मोरिया। अर्चना जी, आज हमारे घर पे एक बड़ी ही कमाल की म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ी आ रही है। ये इतना कमाल का म्यूजिक देते हैं कि थोड़ी देर के लिए तो आप भी अपनी कुर्सी छोड़ के नाचने पे मजबूर हो जाएंगे। प्लीज वेलकम सुप्रीमली टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स अजय अतुल। अजय भाई, अतुल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। कसम से, मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि बिना ऑडियंस के इतना रंग जमा देंगे। थैंक यू। पता है आपको, अजय अतुल सर पहले भी आए थे हमारे शो पे, तब आप नहीं थे। हाँ, पहले और कोई थे जिनकी नौकरी खा गई है। तो अभी क्या है, ये मेरे को बोल रही थी गलती, मैं ना गुलाब जामुन में से गुलाब अलग कर सकती हूँ, जामुन अलग कर सकती हूँ। हाँ। अजय अतुल का मेरे को पता नहीं चलता दोनों में से अजय कौन है, अतुल कौन है। हाँ। सही है। तो इनको आप खुद अपने मुख से बताएं। मैं अजय हूँ, ये अतुल है। सौभाग्य है आपसे बहुत बहुत। हम दोनों सगे भाई है, घर में बड़ा मैं हूँ। अच्छा, घर में बड़ा मैं हूँ मतलब बाहर मतलब दोनों भाइयों में बड़ा मैं हूँ। फिर पूछना पड़ेगा कि अजय का नाम पहले क्यों? इट साउंड्स बेटर। साउंड्स बेटर ना? हाँ, अजय अतुल। जब सोच रहे थे कि क्या नाम रखे, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर बनना सोच रहे थे, हाँ। तब हमें लगा कि अजय अतुल विल साउंड बेटर देन अतुल अजय। थोड़ा सा फॉल लगता है। इट हैज वर्क्ड। जैसे आपका लगाया है अर्चना पूरन सिंह, पूरा सेमेट्री में आता है ना। हाँ। अगर सिंह पूरन अर्चना बोले तो लोगों को लगे आगे भी एड्रेस आएगा कोई। अच्छा, आप तो दो भाई हो ना, दोनों में कंफ्यूज हो गए अर्चना जी। एक बार ये अनूप जलोटा साहब को लेके कंफ्यूज हो गई थी। अरे यार, मुझे कहती थी जब भी भजन सुनते हैं अनूप जी तो दिखते हैं, जलोटा जी कहाँ हैं? अरे मैंने कहा वो एक ही इंसान है। अरे बाप रे। अजय भाई, अतुल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां एक बार। अरे अर्चना जी का एक सवाल था जी। हाँ। तो ये कह रही थी कि आप म्यूजिक साथ में बनाते हो, कंपोजिशन बनाते हो, लाइव शो साथ में करते हो, है ना, बाहर फॉरेन टूर करने जाते हो। कभी ऐसा हुआ है कि आप बड़े हैं, हाँ। स्कूल में आपने सोचा हो कि यार छोटा भाई फिफ्थ में, मैं सेवंथ में हूँ, दो साल रुक जाता हूँ इसके लिए। कभी आपने इतनी रिस्पेक्ट दी है कि भाई को आने दो? इसका आंसर है करेक्ट है ये। अच्छा, आपने रिस्पेक्ट के? मैंने दसवीं तक तो मैंने नहीं सोचा कि मेरे भाई के लिए रुकता हूँ, पर टेंथ के लिए मैंने सोचा और टेंथ में मैं फेल हुआ। अच्छा, फिर मैं इलेवंथ में गया और इलेवंथ में मैंने ऐसे ऐसे कारनामे किए कॉलेज में। अच्छा। कि कॉलेज ने मेरे को फेल किया। तो फिर ट्वेल्थ में हम दोनों साथ में गए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ट्वेल्थ में हम लोग बैक टू बैक बैठे थे। ओह। तो मैं देख रहा था क्या लिखा, हो गया तेरा जोड़ी कब से ही है? कब से ही है। अच्छा भैया, आपके घर में पहले कोई था म्यूजिक डायरेक्टर के? आप पहले ही हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई म्यूजिक हमारे दादा थे जो लिखते थे, कविता लिखते थे। हमारे डैडी को म्यूजिक का शौक बट म्यूजिक डायरेक्टर तो कभी हुआ ही नहीं था। आपको कैसे पता चला कि यार हमें म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना है? कैसे, मतलब शुरुआत कैसे हुई आपकी? समहाउ ये बचपन से ही थॉट था, हमें उन सब चीज़ों से ज़्यादा लगाव था। जैसे जब सुनते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बहुत अच्छा लगता था कि यार ये क्या है, हमको ये करना चाहिए। जब बचपन में हम लोग स्कूल में जो पोएम्स होती है वो हम धुन बनाते थे, स्कूल में गवाते थे लोगों से, बच्चों से, दूसरे क्लासेस में भी घुमाते थे हमको कि अब यहाँ सीखा, अब यहाँ जाके सिखाओ। हमें मालूम नहीं था कि इसी को बोलते हैं म्यूजिक डायरेक्शन। अगर बोल देते आपको कोई तो आप तो पैसे मांग लेते उनसे। हमारी तो कंपटीशन और एक चीज है, हमें ये मालूम नहीं था कि इसके पैसे भी मिलते हैं। अच्छा, हमें तो लगा था ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज है यार, इतने म्यूजिशियन लेना। बहुत सी हमारी गलत फहमी भी थी। अच्छा, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर होना है तो अब सब अपने पास इंस्ट्रूमेंट अपने खुद के होने चाहिए, सब म्यूजिशियन एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। अच्छा, और वहीं पे सब कुछ रिहर्सल होता है और सब कुछ साथ में ही काम करते हैं। और एक चीज, म्यूजिक डायरेक्टर को सब बजाना आना चाहिए। इस चक्कर में आप सीख गए सारा कुछ? सभी सीख गए, मतलब एक तो हम लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तो हम लोग पूरे इंस्ट्रूमेंट, जितने इंस्ट्रूमेंट है उसकी आवाज हम लोग मुंह से निकालने लगे। रियली? अच्छा, तो हम लोग जब भी, पहले पहले हमारे पास तो हारमोनियम भी नहीं था। अच्छा, तो हम लोग जब भी किसी ने काम दिया तो उसको अगर गाना सुनाना है
तो ये गाना बोलता था और मैं उसके पीछे का रिदम और जो वायलिंस है जो पियानो है या वो है वो उसको फील देने के लिए हम लोग मुंह से ही बोलते थे जो भी है। अच्छा कि सर ऐसे एग्जैक्टली जैसे कोई सपोज गाना है तो उसमें डिप चिप टप चिप डिप चिप टप चिप डिप चिप टाडा डडा डंग टंग टाडा डडा डंग ऐसे बोल के हम लोग सुनाते थे। वाह ये पैशन है भाई, आपको किसी चीज से प्यार है। जैसे दिनेश हमारा गिटार है इसके बाद, लेकिन ये लस्सी बड़ी अच्छी बनाता है। मतलब अच्छा मेरे को क्या बोल रहा है उस दिन, कहता मेरे को आधा हारमोनियम आ गया। अच्छा मैं कहा वो कैसे, कहता मैं हवा भर लेता हूँ ऊपर वाले नीवे से बजते आधा। सुनो इधर मेहनत करो आप। एक सवाल अर्चना जी का एक और है छोटा सा, फिर से ये बोल रही थी कि अजय अतुल सारे काम साथ में होते हैं, लेकिन जब आप शादी में जाते हो तो शादी वाला लिफाफा जो अलग अलग डालते हो कि अजय अतुल के नाम से एक ही डालते हो, अजय अतुल, लेकिन प्लेट आप अकेले के लिए उठाते मैंने देखा है। और एक चीज है, मोस्टली हम शादियों में जाते तो खाते नहीं, हमको वो समा ऑकवर्ड होता है, तो शादी में लिफाफा डालने के बाद हम लोग निकल आते हैं। तो फिर वो कपिल कुछ सीख, ये तो लिफाफा डालता नहीं, खा के आ जाता है। नहीं मैं लिफाफा डालता हूँ। अच्छा खाली लिफाफा ही डालता हूँ। अच्छा खाली लिफाफा देखो। अरे यार आओ आओ आओ, अरे आओ 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 आओ, टेंशन नहीं लेना है, आओ आओ आओ। अरे यार ओए ओए, अरे आओ 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 आओ, ओ रिलैक्स रिलैक्स, सब नहीं लोग हैं इतना। अरे यार ओ हो सर, नमस्ते सर सर सर। अरे आप बैल लेके क्यों आ गए? बैल बैल आप किससे कह रहे हैं? उससे पूछ रहे पता था हमको यही होगा। अच्छा एक बार जोरदार तालियां हो जाए अजय अतुल जी के लिए। सर लेकिन हमारा एक पेचीदा सा सवाल है, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज, सो इफ यू डोंट माइंड माय एलोपॉजी ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन आप में अजय अतुल कौन है? ये दोनों ही अजय अतुल है। अच्छा तो ये भी अजय अतुल हैं, ये भी अजय अतुल हैं। अरे दोनों अलग अलग हैं। नहीं नहीं अरे इतना अच्छा म्यूजिक साथ में दे रहे थे, अलग क्यों हो गए? अरे म्यूजिक साथ में देते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन ये अजय हैं और ये अतुल हैं, अलग अलग हैं। नहीं नहीं यार तो उसमें क्या, अजय अलग अलग क्यों, अनु मलिक तो एक ही है ना। अनु मलिक बीच में कहां से आ गए? ए कहां आ गए क्या? ए यार बताया ही नहीं आज मुझे। बताते नहीं है यार, आदमी आ रहा है, हमने तैयारी नहीं की। अरे बाप, ओए चुड़ैलों के नगाड़े, उनका नहीं मुझे पता आए, लेकिन जो आए उनसे तो बात कर। हाँ तो सर उन्हीं से तो बात कर रहे थे, तो सर आप में से अजय अतुल कौन है? अबे सर ये अजय हैं, ये अतुल हैं। आप अजय हैं, हाँ। आप अतुल हैं, हाँ। अजय राइट हैंड अजय, लेफ्ट हैंड अतुल, तो ये लॉक हो गया आज अपना। नहीं यार अब ये राइट हैंड में अतुल, ये तो कंफ्यूजन हो गया ना, ऐसे कैसे लॉक करेंगे? तो ये अजय हाँ, ये अतुल है, इसको हाँ। हम लॉक करते हैं सर, ऐसे ही हम रहेंगे अजय अतुल। बाई चांस हम ऐसे घूम जाए तो आप इधर आ जाइएगा और आप इधर आ जाइए। नहीं एक्चुअली सर आप तो गेस्ट है, मेहमान है, आप लोग उधर ही रहिए, हम मैनेज करते हैं। अजय अतुल अजय अतुल अजय अतुल प्लीज मैनेज, ठीक है हम करेंगे सर। लेकिन यार ये देखिए मजे की बात, देखिए इतने महान कलाकार हैं आप लोग देश विदेश में, मतलब आप लोगों को जॉन नहीं जानता। अबे जॉन नहीं, कौन नहीं जानता होता? नहीं नहीं हम बता रहे हैं, हमारा मित्र है जॉन, वो इनको नहीं जानता। क्योंकि जॉन का क्या है, म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सेम लाइक दिस दिनेश यर, जिसका म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं। अच्छा म्यूजिक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। सर बच्चा यादव माई सेल्फ, लेकिन हम यहाँ पर खाली हाथ नहीं आए, आई गॉट गिफ्ट। अच्छा आपके लिए गिफ्ट लेकर आए, ऐसे थोड़ी ना आएंगे यार खाली। देयर इज आलू फॉर यू। आलू गिफ्ट में? आलू कौन देता है? तो गिफ्ट में आलू नहीं तो क्या भालू दे दे, कमाल का बात कर रहे हो यार। नहीं लेकिन आलू को इतने हल्के में मत लीजिए, आलू इज गॉड गिफ्ट टू मैनकाइंड। आई बिलीव अर्चना जी हम आपको सच बता रहे हैं, दुनिया का हर मर्द जो है वो आलू बनना चाहता है। आलू क्योंकि आलू मटर के साथ भी है, आलू टमाटर के साथ भी है, आलू भिंडी के साथ भी है, आलू गोभी के साथ भी है। सब्जी का गुरूर है आलू, सब्जी का शशि थरूर है आलू। आलू 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 आलू। अब शिमला मिर्च के बारे में भी कुछ बताइए भरे हुए कद्दू जी।
हम कद्दू कहाँ से लगते हैं? अच्छा, जहाँ से लगते हैं वहाँ से हम बता नहीं सकते हैं। अब आप यहाँ तशरीफ रखिए और तोड़ दीजिए इसको। अच्छा है, सोफा बड़ा बनाया, पूरा तशरीफ आ जाएगा हमारा। आपसे गुप्तगू ना हम बाद में करेंगे, सबसे पहले अजय अतुल जी। ये पता नहीं, ये हिट होने वाला है। सर हमारा एक छोटा सा बच्चा है, आपका बहुत बड़ा फैन है जी। सर सच बता रहा, इतना बड़ा फैन है, अभी क्लास में टीचर ने एग्जाम में उसको जीरो दे दिया, उसने कहा कि जीरो नहीं चाहिए, ले जाओ आप। क्यों? कहता है कि ऐसा खाली जीरो नहीं लेंगे, इसमें अजय अतुल का म्यूजिक डालो तो लेंगे। सर आपने जीरो में म्यूजिक दिया ना, सर यहाँ पे इनसे मिलिए दिनेश बैंड, इन्होंने जीवन में जितना म्यूजिक दिया वो जीरो। नहीं यार, अच्छा है। नहीं, 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 इनसे अच्छा म्यूजिक तो अर्चना दी देती है। अरे दोनों कुछ नहीं देते तो सोमे क्यों है? अर्चना जी आज तो मर्डर ही कर, चाहे कर दो, दो मिनट कैमरा बंद कर देते हैं। मिल तू पीछे। नहीं नहीं ऐसा ना, माया लो पहुंची खाली बोल रहा है। लेकिन सच आपको बताएं सर, ये अपना ना वायलिन बजा के, तबला बजा के, सारंगी बजा के, गिटार बजा के, ड्रम्स बजा के, सर आप उतना नहीं कमा सकते जितना ये औरत यहाँ पे ताली बजा के कमाती है। वैसे ताली की बात की तो एक सुडौल नौजवान याद आ गया। कौन? अच्छा? कहता था ठोको ताली ठोको ताली। फिर ये आए और इन्होंने ठोक दिया। लेकिन आज सर मजे का बात देखिए, टुडे यहाँ पर ट्रिपल ए आए हुए हैं, नहीं मतलब ट्रिपल ए बैटरी भी होता है उसका बात नहीं कर रहे हैं, ट्रिपल ए लाइक अजय अतुल एंड बच्चा। अबे बच्चा बी से होता है? बच्चा बी से नहीं, बच्चा तो शादी से होता है, प्रोसेस भी नहीं पता यार इस आदमी को। बेसिक प्रोसेस बहुत नॉलेज है इसके, 11 बच्चे हैं इसके। नहीं नहीं तो शादी से हमारे दो ही बच्चे, बाकी तो बिजली विभाग की गलती से हो गए। मतलब वो कैसे? वो क्या होता है सर, अब क्या है हमारे घर में, दिन में हम निकलते हैं तो बिजली आती है, और रात को जब हम आते हैं बिजली चली जाती है। अब यार अंधेरे के चक्कर में 11 चिराग रोशन हो गए, अब क्या करें? खत्म हो गई तेरी फालतू बातें, तो अच्छी बात कर देते हैं। एक सर हम जानना चाह रहे थे, अतुल एक मिनट, अजय अतुल, हाँ तो अतुल जी आपसे जानना चाह रहे थे, आपकी गाड़ी होगी तो उसमें आप टूल बॉक्स रखते हैं कि अटूल बॉक्स रखते हैं? सर हम आपसे सिर्फ आलू गिफ्ट में नहीं लाए हैं, एक और गिफ्ट लाए, आई विल गिव यू, आई विल गिव यू। अब क्या देगा पता? अरे नहीं, 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 अरे ये देखिए, ठीक है, बच्चा का स्पेशल मिल्क है, कमाल का दूध है सर, ये आप अपने साथ लेके जाइए। उसको भी चोटी है? हाँ सर, ब्रांडिंग वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। सर ये दूध आप पीजिए, ये आप पी भी सकते हैं, इससे आप कपड़े भी धो सकते हैं। दूध से कपड़े कैसे धो सकते हैं? अरे जैसे डिटर्जेंट से धोते हैं ब्रो, जैसे डिटर्जेंट में दूध वाली सफेदी हो सकती है, तो दूध में डिटर्जेंट वाली सफेदी नहीं। क्या सोचा है? तो बताइए कितना मीटर बांधे आपके साथ? मीटर नहीं, दूध लीटर में होता है। नहीं नहीं ये म्यूजिकल लोग हैं यार, इन्हें हर चीज मीटर में। क्या बात है, मीटर में होनी चाहिए। वाह वाह वाह। और सर आपको बताएं, हमारी भैंसिया तो और भी बड़ी फैन है आपकी। अच्छा? ये आपको मीटर में नहीं किलोमीटर में दूध देगी। वाह तेरे को बड़ी नॉलेज है भैंस। अरे दो भैंस एक जान है यार। दो भैंस एक जान। क्या? नहीं नहीं अभी सबके सामने थोड़ी कह सकते हैं, रुको रुको। अरे अरे यार इतने सारे, चलो कह देते हैं आई लव यू टो। उसने तो बोला ही नहीं आई लव यू। अरे मन में बोला सर, लेडीज मन में बोलती हैं, ऐसे सामने बताती थोड़ी ना है। अभी आप ही बताइए, अर्चना जी ने आपको बताया कि अजय अतुल जी को बड़ा लाइक करती हैं, वो बताया उन्होंने? तुझे कैसे पता? अरे सारा दिन गाड़ी में अजय अतुल जी के गाने सुनती रहती हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो झिंगाट सुन रही थी, हमने सुना दे। पर ये तो अरिजीत सिंह के गाने भी सुनती हैं। क्या हुआ? इतनी बड़ी होकर आप दो दो लोग के गाने सुन लेती हैं? ये बात परमीत जी को पता है? नहीं पता। अर्चना जी आप देखिए, हम परमीत जी को जाके ना नोरा फतेही के तीन तीन गाने एक साथ ना सुना दिए ना। हमारा नाम भी बच्चा यादव नहीं, मर्द। कोई ढंग की बात कर, कितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो क्या सोचेंगे? वो क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे? तो अजय अतुल जी क्या सोचेंगे,
हम कैसे बता सकते हैं? चार ऑप्शन तो दीजिए. चार ऑप्शन क्यों? चार ऑप्शन वाले केबीसी में वो म्यूजिक दे सकते हैं, आप हमको चार ऑप्शन भी नहीं दे सकते. अर्चना जी आप नहीं 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 आप ताली मत बजाइए, इनके पास कम से कम चार ऑप्शन वाला शो तो है, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन वाला. बाप रे. लेकिन मानना पड़ेगा कि ये जो एक ऑप्शन वाला शो है, इसका दूसरा ऑप्शन ना कभी था और ना कभी होगा. लेकिन सर आई एम ह्यूज फैन. तो अजय अतुल जी, ये जो आपने म्यूजिक दिया अपना केबीसी में, ओ हो, वो सुन के तो ऐसा मतलब दिल में मजा आ जाता है. वो अपना वो जो वो डा डा नहीं यार, ये बहुत जरा साथ दो ना हमारा थोड़ा. हाँ ये डा 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 जब ढंग से बजाने को होता नहीं तो बजाते क्यों तुम लोग? ढंग से बजाओ, क्योंकि ये गाना सुन के हम प्रकट हो जाते हैं. प्रकट हो जाते. नमस्ते. नमस्ते सर. बच्चन साहब की तरफ से अजय और अतुल जी को प्रणाम. नमस्ते सर. और अजय और अतुल जी की तरफ से बच्चन साहब को दंडवत प्रणाम. अरे नहीं नहीं भैया, थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा लगा, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं. बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए. मेरा एक ही सवाल था आपसे जी, कि आप दोनों में से अजय अतुल कौन है? नहीं नहीं, दोनों अजय अतुल हैं. मतलब ये भी अजय अतुल हैं और वो भी अजय अतुल हैं? नहीं यार, दोनों अलग हैं. ये तो इतने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो अलग अलग क्यों? अलग नहीं हैं, अजय अतुल. ये अजय हैं, ये अतुल हैं. ये अजय हैं, ये अतुल हैं. हाँ नहीं नहीं, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे. ऐसे याद, ऐसे घूमिए. अब बोले ये अजय हैं, ये अतुल हैं. अजय हैं, ये अतुल हैं. नहीं ना, ये अतुल इतने नीचे क्यों चले गए? ऊपर लाइए. अच्छा, ये अजय हैं, ये अतुल हैं. हाँ, तो जब आपको पता था तो आते ही आपने बकवास क्यों की यहाँ पे? आप यहाँ पर हास्य विनोद करने की कोशिश कर रहे हैं? हास्य विनोद? इस शो को कॉमेडी शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप? बहुत शौक है मेरे बच्चे को केबीसी खेलने का. मेरा बच्चा, आइए हम आपको खिलाएंगे केबीसी. बैठिए. बैठिए. ठीक है, खिलाइए. यहाँ सेलिब्रिटी बैठते, नीचे बैठिए. हम और आप मिलकर खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति. आपका पहला सवाल ये बताइए कि कपिल शर्मा शो में सबसे अच्छा कौन करता है? ऑप्शन ए सपना, ऑप्शन बी कृष्णा अभिषेक, ऑप्शन सी अभिषेक कृष्णा, या ऑप्शन डी गोविंदा का भांजा. क्या पूछ लिया आपने यार? इसका तो आसान सा जवाब है अपना बच्चा यादव. जिसको हमने ऑप्शन में ही नहीं रखा, उसको आपने आंसर में डाल दिया. अगर हम आपके आंसर में अपना ऑप्शन डाल दें तो क्या कर रहे हैं आप? हम बहुत बड़े फैन हैं. थैंक यू. असली अमिताभ बच्चन के. अब उनको जाके बता रहे हैं हाय बाय बाय नकली अमिताभ बच्चन जी. बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम चलते हैं. मिलिए, आप इनसे मिलिए जरा. ओके, चलो बाय. तो नमस्कार देवियों और सजदों. अच्छा, सजदों नहीं, सजनों. नौ क्यों? ये तो दो ही है ना, हम दो नौ क्यों बोले? Oh my God. हम गिनती में कभी गलती नहीं करते. आपसे पहली बार मुलाकात हुई है शो पे, बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए. ये हमारी तरफ से है. वाह, क्या शगुन दे रहे? नहीं, इसमें शगुन डालिए हमारे लिए.
क्योंकि हमें आगे भी शगुन देना होता है. आप तो जानते हैं कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता. ओह माय गॉड. और मैं कहीं लाइन में भी नहीं खड़ा होता. एटीट्यूड प्रॉब्लम है तो पैसा कहां से आएगा आपको. वैसे आपके काम का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. बहुत ही प्रशंसनीय और अद्भुत निया काम करते हैं आप लोग. एकदम अतुल निया और अजय निया काम करते हैं आप लोग. सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप. पिदली सी बातें. वैसे हम दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है. क्या. मेरी आवाज भारी है और आपका लय भारी है. ये तो हो गया हास्य विनोद. लेकिन एक बात बता दूं कि हम आपसे काफी खफा हैं. क्यों क्या हुआ. क्योंकि अग्निपथ का जो रीमेक बना जिसमें आपने म्यूजिक दिया था उसमें आपने हमें बुलाया नहीं. इस वजह से हमारा मांडवा काफी दुखी थी. हाँ। लेकिन जब हमने आपका चिकनी चमेली गाना सुना तो हमारा मांडवा काफी प्रोत्साहित हो गया. तुम्हारा मांडवा. एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो हमारी अग्निपथ थी उसकी जो चमेली थी वो काफी खुश्क थी. खुश्क. इस चमेली में आपने म्यूजिक देकर उसे काफी चिकनी कर दिया. इतना चिकना कर दिया कि हम भागनी उसके पीछे गए लेकिन हम फिसलनी हो गए. ये क्या पकड़नी है फिसलनी है चल रहा है बच्चा. हमारा फिसलनी है ना. आपको दुख नहीं है क्यों हो रहा. खैर वी वर टॉकिंग अबाउट अग्निपथ. We had a very good time shooting for that film. You remember? Yes, Amit. इन्होंने क्या डांस किया था उसमें. जो हमारे वो विलन थे उनको काफी परेशान किया. वो क्या नाम था उनका. हाँ डैनी गॉन्स गप्पा गप्पा. डैनी डैन. आपको पता ही नहीं. आज आप फंसे हैं. बोलिए उनका नाम बताइए. डैनी जी. नहीं पूरा नाम बताइए. डैनी सर बोलता हूँ मैं उनको. नहीं जब मैं सपना बन गया तो बहुत परेशान करते. आज आप फंसे हैं. बताइए पूरा नाम. डैनी डेंस गप्पा गप्पा. नहीं डैनी डेंस डैन जोंग पा. नहीं नहीं हमारे अच्छे दोस्त हैं. हमारा गप्पा गप्पा चलता रहता था उनके साथ. और जो चंद्रचूर सिंह हैं हीरो उनके साथ हमारा चप्पा चप्पा चलता रहता. सर आप वैसे आज करने क्या हैं. मैं आप लोगों से प्रभावित होके आप इतना बढ़िया म्यूजिक देते हैं तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं म्यूजिक दूँ. मैंने अभी फ्री में म्यूजिक दिया है. खैरात में म्यूजिक दिया है. खैरात में म्यूजिक कौन देता है. अच्छा ये सैराट में म्यूजिक दे सकते हैं. हम खैरात में भी नहीं म्यूजिक दे सकते. तो मैंने कुछ धुनें बनाई हैं जी. कुछ कंपोजिशन मैं चाहता हूँ उसमें आप म्यूजिक भरें. ओके तो वी कैन डू समथिंग इन फ्यूचर. मैंने धुन बनाई है. बताइए कैसी लगी आप लोगों. मैं यहाँ तू वहाँ. जिंदगी है कहाँ. मैं सोच रहा हूं अगर आप इसमें कोई अपनी कंपोजिशन डाल दे तो फ्यूचर में हम लंदन अमेरिका में शोज कर सकते. कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप. ये आपको बच्चों वाली बात लगती है. ये पा 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 ये होती है बच्चों वाली बात. कॉल कर रहे हैं माने. ये क्या था. ये क्या हमारी कंपोजिशन है. आपको क्या प्रॉब्लम. इतना बढ़िया माहौल बना है. आप लोग आए हैं इतना परिश्रम करके यहां तक पहुंचे हैं आप लोग. चार पंक्तियां मुझे याद आ गई. अरे प्लीज सुनाइए. बाबूजी जरा धीरे चलो. पिछली खड़ी मारियो. बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी. ये कैसी बातें कर रहे हैं आप. खैर आप लोगों ने बड़ी बड़ी फिल्मों में म्यूजिक दिया है लेकिन बोल बच्चन वाह आप लोगों ने गाना किया था. बहुत ही अशफसानीय बहुत ही अद्भुत नीय बहुत ही प्रशंसनीय किया था उसमें. इनका म्यूजिक नहीं कृष्णा का काम. क्या लड़का वो एक्टिंग करता. मैं कहता हूँ अगर वो आपके सामने आकर खड़ा हो भी जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कृष्णा खड़ा है कि बच्चन सब खड़े. क्या बात है. उस लड़के का काम बहुत ही प्रसन्न सिया है. बहुत ही अद्भुत निया है. बहुत ही कमाल का है. पर आप जो कर रहे हैं आपका बड़ा ही काम बड़ा
गोविंदनीय है, भांजनीय है, मामनीय है, कुछ इस तरीके का निकल रहा है। ये तो भैया आपकी प्रॉब्लम है। जब आप जानते हैं कि बंदे के अंदर छोटे मियाँ हैं, तो उसको बड़े मियाँ बनाते क्यों हैं? अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। केबीसी का अगला प्रश्न आपके लिए। अरे अगला, पहला पहला कब पूछा आपने? उसके साथ हो, मोटे के साथ हो गया। म्यूजिक में कौन से कॉर्ड्स का ध्यान रखा जाता है? ऑप्शन ए बी कॉर्ड, ऑप्शन बी ए कॉर्ड, ऑप्शन सी डी कॉर्ड, ऑप्शन डी सी कॉर्ड। ओके, म्यूजिक क्यों नहीं दिया तुम लोगों ने? म्यूजिक कौन देगा? ये तुम्हारा भाई आज से कई साल पहले बंबई आया था, दो सपने और 1500 अपने लेकर। आज वही 1500 अपने सोनी के सपनों पर भारी पड़ रहे हैं। उफ, तुम्हारा ये तबला, तुम्हारा ये गिटार, जिसे बजाकर दो वक्त का गाना नहीं निकाल सकते तुम लोग। आप इनसे सवाल पूछ रहे थे सर? हाँ, तो आप जीते हैं 1 करोड़ रुपए। आप प्रतिम, इन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। ये जवाब देकर नहीं, ये म्यूजिक देकर करोड़ों कमाते हैं। अजय और अतुल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। समय समाप्ति की घोषणा। क्या बात है। मेरे जाने का वक्त आ गया है। बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए। आते रहिए, आप आते रहेंगे, बुलाते रहिए, एपिसोड अच्छा होगा, हमारे पैसे बनते रहेंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। फर करो, बार बार एक ही म्यूजिक बजाते हैं, वेरिएशन नाम की भी कोई चीज होती है दुनिया में, कुछ और बजाओ। बड़ा ही कमाल का, मतलब, और ऊपर से ये जो रंगदारी करते हैं ना अंदर ही, और जो जो ओरिजिनली गाया है और उसके बाद जब लाइव गाते हैं, मुझे लगता है इनको भी याद नहीं रहता होगा कि इस बार मैंने ये लगाए थे, इस बार हर करे, बार इम्प्रोवाइज करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको पता है अजय अतुल को मराठी फिल्म जोगवा के लिए 2010 में नेशनल अवार्ड मिला था। उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। अच्छा, एक बात बताता हूँ मैं, बहुत कम लोगों को पता होगा, ये मराठी, किसी भी मराठी म्यूजिक डायरेक्टर को मिला हुआ पहला नेशनल अवार्ड। क्या बात है, 56 साल में, मतलब 56 ईयर्स में, हमसे पहले भी इतना अच्छा अच्छा म्यूजिक हुआ है मराठी फिल्म में जी। बट हम लोग फॉर्चुनेट थे कि हमें वो नेशनल अवार्ड मिला, तो हम लोगों ने रिसीव भी किया था ना, तो वो सभी म्यूजिक कंपोजर जितने थे मराठी के, उनकी ओर से हम लोगों ने वो रिसीव किया था। देखा, ये ग्राउंडेड आदमी है। अर्चना जी का तो 100 एपिसोड पूरे हुए ना, घर पे गई, पति आया कमरे में, कहती खबरदार बिना अपॉइंटमेंट के अंदर आए थे। I wanted to ask कि अगर आप बोल रहे हैं आपको पता ही नहीं था कि आप म्यूजिक डायरेक्टर बनेंगे, और आपके यहाँ पर कोई मतलब गाने का ज्यादा चलन नहीं था, तो आपने सीखा? तो नहीं, हमने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिए गाने, मतलब सीखा नहीं, ये बड़ी बात नहीं बोल रहे कि कहीं मौका नहीं मिला सीखने का, क्योंकि हम लोग बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम पुणे। ओके, तो पुणे से भी हम लोग आउटस्कर्ट्स में रह रहे थे। अच्छा, तो वहां पे कोई म्यूजिक का क्लास या बजाने का क्लास, एक चीज है म्यूजिक कंपोजिशन करना, ये और ही चीज है एक्चुअली, ये सीखने से नहीं आता। अच्छा, कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग कंपोजिशन करने के बाद अच्छा, लोग हमें बोलते हैं कि पता है तुम लोगों ने ये गाने में 3 राग है एक्चुअली, तुम्हें पता है इसमें से इसमें कैसे गए आप लोग, कैसे गए? हमें, हम लोग बोलते हैं हमको नहीं मालूम, हमको नहीं पता यार, हम लोग जो हम जस्ट लगा वो क्या, क्योंकि सुर तो वही है ना, साथ उन्हीं में से सारा। दर्शना जी, लोग तो यहाँ पे नहीं आ सकते, लेकिन बहुत सारे दर्शक है जो हमारे साथ हमेशा की तरह ऑनलाइन जुड़े हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं वो गणपति महोत्सव किस तरीके से मना रहे हैं। जी, सबसे पहले कौन आ रहे हैं? हेलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा,
अंकित कौन है आप में से? सर मैं हूँ सर। अंकित जी और आपके सारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा आप लोग इस समय कहाँ हो अंकित? हम लोग सर मलाड से बात कर रहे हैं मुंबई में। अच्छा गणपति इस बार थोड़ा साइलेंट हो रहा है तो कितना मिस कर रहे हैं आप? सर मिस तो बहुत कर रहे हैं। हर साल एक एक्साइटमेंट रहता है कि गणपति में हमको वादन प्ले करने मिलेगा, पर इस बार वो सब बंद है सो हम लोग कर नहीं पा रहे। पर हम कपिल आपका और आपकी टीम का एक बहुत बड़ा थैंकफुल करना चाहेंगे कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दी कि हमको एक बार एक चांस मिला कि हम अपने आप को हमारा टैलेंट जो है हमको शोकेस कर सके। सर प्लीज आप भी मिस कर रहे हैं दर्शकों को और हम भी मिस कर रहे हैं तो हो जाए फिर लाइव कुछ। नमस्कार नमस्ते नमस्ते वाजवा वाजवा गणपति बाप्पा भोरिया। ओहो बड़ा एनर्जेटिक होता है ये सुन। दे मस्ट बी सो ईगर ना कि प्ले करने का ये अपॉर्चुनिटी। देखो मोर देन 50,000 पीपल प्लेज दिस ढोल ताशा इन महाराष्ट्र मोर देन दैट। हमारी शुरुआत इससे हुई थी। ओ रियली? हां गणपति बाप्पा जय हरा 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 महादेव। क्या बात है अंकित जी और आपके सारे दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आके आपने अपनी कला का प्रदर्शन किया और कितने जोश में आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं। सो गणपति जी सब सही करें और अगले साल दोबारा से वही माहौल बनाते हैं। बहुत बढ़िया। और आपकी टीम में जो लड़कियां ये जो ढोल बजा रही थी आपको भी सल्यूट। क्या मतलब कितने जोश के साथ बजा रही थी। वाओ थैंक यू गाइज एंड ऑल दी बेस्ट। थैंक यू गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। थैंक यू अंकित एंड ग्रुप शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर सर नमस्कार। कपिल सर नमस्कार। नमस्कार सर। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताओ। कपिल सर मैं कुमार संजय दिल्ली से। संजय जी कैसे फिर आप गणपति मना रहे हैं दिल्ली में? कपिल भाई सच बताऊं तो जैसे बॉम्बे वाले गणपति बड़े उत्सव से मनाते हैं और दिल्ली वाले भी कम नहीं है। दिल्ली वाले भी दिल खोल के बनाते हैं। मैं पेशे से एक डिवोशनल सिंगर हूं। अच्छा जी। और मुझे कहीं ना कहीं कमी लग रही है क्योंकि इन दिनों हमारे बड़े प्रोग्राम लगते थे वो कमी खल रही है मेरे को। एक बात की बड़ी खुशी है कि अगर मैं इन सबको अगर बॉम्बे लेके आता तो गणपति बापा ने मेरी मेरा खर्चा बचा लिया और आपसे रूबरू सर। चलिए सर वही कहते हैं ना कि जो जैसा माहौल है उसी में रम जाओ। और हमारे हमारे साथ इस समय सुप्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर अजय एंड अतुल यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। नमस्कार सर। प्रणाम सर। अजय अतुल जी को मैं प्रणाम करता हूँ सर। मेरा सौभाग्य जो आपसे मुलाकात हुई। अच्छा ये सारी जो फैमिली पीछे आपकी ये सारा आपका परिवार है? सब मेरा पूरा परिवार है। मेरे बड़े भाई साहब हैं तरुण गुप्ता जी। गुप्ता जी नमस्कार। आपकी बनती नहीं गुप्ता जी के साथ? तो पीछे क्यों बिठाया इनको? तभी बीच में मैं भी हूँ ना। मैं भी हूँ। अब पता नहीं चल रहा ना आप गुप्ता जी के साथ हैं कि संजय जी के साथ हैं।
आपने मैडम का फिर इंट्रोडक्शन नहीं करवाया जो येलो साड़ी में इतनी प्यारी लग रही है। अच्छा नमस्कार जी, नमस्ते। और पहले मैं आपके रिपीट शो देखे ना 4 महीने, इतना दिल खुश होता है मेरा कि मैं आपको बता नहीं सकती। शुक्रिया जी, आप भी बड़ी बेसन की बर्फी लग रही हैं आप आज। भाई मेरी तरफ से आपको आई लव यू। आई लव यू टू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। खुश रहिए आप और अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है जल्दी। धन्यवाद जी। नेक्स्ट कॉलर कौन है? सर नमस्कार। हेलो सर। हेलो सर। कपिल सर, इट्स सच अ ब्लेसिंग टू सी यू सर। अरे सर थैंक यू सो मच। इन इंडिया वी हैव टू ग्रेट कॉमेडियंस, महमूद साहब किंग ऑफ कॉमेडी। अरे बाप रे, सर आप किंग ऑफ कॉमेडी। बहुत 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 बड़ी बात बोल दी सर आपने, धन्यवाद। अच्छा आप प्लीज सबका इंट्रोडक्शन करवाइए, आपके साथ कौन कौन है? सर मेरी बेटी है सराया। हेलो बेटा। मेरी वाइफ सरीना और मेरे फ्रेंड मेहुल। हेलो सर। हेलो। तो सर कैसे चल रहा है आपका गणपति त्योहार, कैसे मना रहे हैं आप? दादा देखो, आई एम अ कैथलिक, मगर पिछले 14 इयर्स से मैं मंडल में गणपति बिठाता हूँ बोरोपी में। अरे वाह। मगर ये सर क्योंकि कोविड है, मैंने 5 गणपति मंडलों को डोनेशन दिया है ताकि गणपति बिठा सके सर। और हमने और भी सुना है कि आप बड़े और भी अच्छे काम कर रहे हैं, जो है फूड्स जो है जो नीडी पीपल है उनको आप खाना पहुंचा रहे हैं। देखो पिछले 155 दिन से सर मैं राशन बांटता हूँ मुंबई महाराष्ट्र में, शिरडी पूना अहमदनगर ये सब जगह पे जाके सर मैं राशन बांटता हूँ। हमारे जितने भी कोविड वॉरियर्स है उनको सैनिटाइजर, फेस मास्क, पीपी किट्स, पानी, छाछ ये सब बांटता हूँ सर। वाह, बहुत ही नेक और खूबसूरत काम कर रहे हैं आप। God bless you, sir. और वैसे आप खुद क्या करते हैं? सर इट्स अ प्लेजर टू सी अतुल सर एंड अजय सर। अरे वाओ। सर सैराट का, सर सैराट का सॉन्ग जिंगाट इज एन एंथम एंड एक्चुअली थैंक यू थैंक यू वी लिसन टू इट, मतलब इट्स अ लवली सॉन्ग, कैन नॉट बी मेड बेटर देन दैट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पर कपिल सर जी, सर सर आपको देख के इतना एक्साइटेड हूं बता नहीं पा रहा हूं सर। हकीकत में किस किस से प्यार करूं सर, मेरे दिल में ख्वाहिश है कि 3-4 फ्लोर्स हो जाए सर हमारे भी। ये बात आप अपनी वाइफ के सामने बोल रहे हैं? सर मैंने वो पिक्चर 5-6 बार देखी है सर। नहीं वो पिक्चर तक ही ठीक है, वैसे अपना अपना संभाल लो वही काफी है। मोरिस साहब आप बड़े मजेदार इंसान हैं, बड़ी प्यारी बातें करते हैं आप। हालांकि पहली लुक में मुझे लगा था आप कहेंगे वो गए वो खुश हुआ। पर आप बड़ी प्यारी बातें करते हैं, बड़ी प्यारी फैमिली आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, बाय बेटा। हेलो, रख दो यार, रखो फोन। हेलो जी, क्या हाल चाल है? रख दो यार। शोभना जी कौन है आप में से पहले ये बताइए? अच्छा आप है शोभना जी, नमस्कार शोभना जी। और आपके साथ कौन है, इनका भी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ये मेरा बेटा है विश्वास वाही। हेलो विशाल। ये मेरी डॉटर है मलारिका वाही। हेलो जी। तो आप घर में 3 लोग हैं और बाकी मेंबर भी हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड भी हैं, मेरे फादर इन लॉ भी हैं। अच्छा वो कहां गए? अशोक भाई अभी उनको कुछ काम था इसलिए वो गए हुए हैं। आपने भेजा होगा किसी काम से? यस एग्जैक्टली, मैं चाहती थी मैं आपसे अकेले में बात करूं। हम लोग चले जाएं? विशाल देख रहा है आपको, अर्चना जी। लव यू। कहाँ से बोल रहे हैं शोभना जी आप? कॉम्प्लीमेंट है जी, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा स्माइल आल्सो, बड़ी क्यूट स्माइल है आपकी। ओह सो स्वीट, थैंक यू। इनके पतिदेव भी इसी चक्र में फंसे थे। अभी उनको भी सामान लेने भेजा इन्होंने। ये प्रॉब्लम ये लेडीज की, पहले पहले तारीफ करती हैं उसके बाद नहीं करती। आप कहाँ से बोल, कहाँ से रहे? मैंने पूछा नहीं सर। दिलवालों की दिल्ली से सर। वाह वाह, दिलवालों की दिल्ली से। अच्छा वो कोई बात बात सुनाओ, दिल्ली वाले तो वैसे ही बड़े मजेदार लोग होते हैं, कोई किस्सा सुनाओ कोई बात। मैं एक्चुअली फेस्टिवल्स की करना चाहूंगी सबसे पहले। जी हाँ, गणपति महोत्सव चल रहा है जी। और अभी जो फेस्टिवल गया जैसे रक्षाबंधन आया था। हाँ जी, आप बिलीव करेंगे मैं 6 महीने बाद अपने मायके गई। अच्छा जी, सो एक्साइटेड, लेकिन विदाउट शॉपिंग, पार्लर्स कोई नहीं। अच्छा मतलब मॉल्स बंद, सब कुछ बंद। तो भाई ने पहचान लिया।
हाँ जी भाई ने पहचान लिया अरे वो तो देख के बहुत रो रहे थे हाय इतने टाइम बाद मिल रहे हम लोग हाँ सो स्वीट हाँ तो उसके बाद हमारा एक्चुअली लॉकडाउन में यही काम रहा कि खाना बनाना एक्चुअली वी आर सो फूडी आप हमारी सेहत से भी देख रहे होगे मुझे बड़ा पसंद है जी खाना पीना तो बस वही खाना बनाना और इन बच्चों को पापा को खिलाना सबको अच्छा जी चलिए बहुत अच्छी बात अच्छा परिवार के हंसी मजाक में टाइम निकल जाता है चाहे कुछ भी चल रहा हो बाहर तो फिर अब गणपति जी को बुलाते हैं अपने घर पे बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जी हमारे क्या होता था कि हम कॉलोनी में सब साथ सेलिब्रेट करते थे अच्छा जी लेकिन इस बार थोड़ा वो हो गया ना सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम खुद ही कर रहे हैं वो मस्ती बहुत मिस कर रही हूँ मैं पर मजा बड़ा आता है यार जब भी दिल्ली वालों से बात करो ना बड़े ऐसे लगता ही नहीं हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं ऐसे लगता है सालों से जानते हैं हम तो भाई साहब को आपने बताया नहीं था आज हम लोग बात करेंगे आपस में बोला था मैंने एक्चुअली उनको बहुत जरूरी कुछ काम आ गया था तो इसलिए उनको जाना पड़ा बट आई एम सो हैप्पी मुझे पर्सनली एक बात अब कहने का मौका मिल गया बिकॉज वो है नहीं जी कपिल मैं आपसे कहना चाहती हूँ हाँ जी आई लव यू कपिल आई लव यू टू मैम थैंक यू शुक्रिया सर एक बात आपसे और कहनी थी जी दो लाइनें आपके लिए लिखी थी क्या मैं सुना सकता हूँ प्लीज प्लीज पेड़ पे लगे बेर खट्टे हैं पेड़ पे लगे बेर खट्टे हैं अच्छा। अपने कपिल भाई सबसे हटके हैं वाह वाह मैं क्या शेर तो आपका इतना अच्छा नहीं था पर पर ये जो आपने ईमानदारी बरती है ना आपने कहा कि मैंने दो लाइनें लिखी और दो ही सुनाई तो कभी लोग दो बोल के ना 150 सुना देते हैं तो ये आपकी बड़ी ईमानदारी अच्छी लगी विश्वास हमारे साथ इस समय म्यूजिक डायरेक्टर्स अजय अतुल यहाँ पे मौजूद हैं नमस्कार इतना मजा आया आप लोगों से बात करके और लग नहीं रहा इतनी दूर बैठे हुए हम लोग थैंक यू शोभना जी गॉड ब्लेस यू अपना ध्यान रखिए और मुलाकात करेंगे जल्दी ओके जी धन्यवाद बाय बाय अच्छा देख लो म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं है जिंगाट जब आया गाना मराठी तो सब समझते हैं महाराष्ट्र में लेकिन जो लोग नहीं भी समझते मराठी वो लोग भी इतना प्यार करते हैं इस गाने को मतलब देखो आप कहां कहां से लोग फरमाइश करते हैं हमारे पास इतने वीडियोस है अफ्रीका में लोग नाच रहे हैं मजा आता है ना लोगों और इतना खूबसूरत सॉन्ग है क्या बात है तो आइए देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जो है वो कौन है हेलो जी लुक एट अस शी शॉक तो बिल्कुल सेम नहीं दिख रही हेलो नमस्कार हेलो हम यहाँ पर हैं नमस्कार जी आप में से मम्मी कौन है बेटी कौन है आप बताओ हमें तो नहीं पता चल रहा भाई दूर से हैं हम तो फोन पे देख रहे हैं लेकिन वो मतलब बहने लग रहे हैं यार दोनों बहने ही लग रही हूँ आप सर मैं सुदीप्ता हूँ ये मेरी बहनी है नमस्कार जी सुदीप्ता जी और आपकी बेटी को भी नमस्कार कैसे हैं आप शिकान बिली आपसे बात हो रही है सच्ची में नहीं नहीं झूठे मूठे ये भी सिद्धू जी हैं साड़ी पहन के बैठे हैं अरे बीच में से कौन निकल गया यार मैं आ सकता हूँ सर कहाँ गए थे बाथरूम गए थे सर आपका नाम मैं जान सकता हूँ मेरा नाम है तपन दे अच्छा सुदीप्ता जी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ टेबल पे आपने गणपति जी जो है वहाँ स्थापित किए हुए हैं हाँ। अच्छा जी बहुत बहुत बधाई आपको नेचर को बचाना है नहीं तो बाबा ना लगाएंगे जी तो मैंने सोचा बाबा से जुर्माना नहीं लेना है आपसे गिफ्ट लेना है मुझे गिफ्ट मैंने चॉकलेट चॉकलेट के गणपति जी वाओ क्या बात है वेरी नाइस और इको फ्रेंडली है उनको विसर्जन दूध से होगा दूध से विसर्जन करने के बाद ये प्रसाद रूप से गरीब बच्चों में बांटा जाएगा अरे बहुत अच्छी बात है क्या बात है तो उससे लीटर की पोल्यूशन नहीं होगा और हमारा एक सोशल कॉज भी होगा बहुत ही खूबसूरत सोच है आपकी गणपति जी भी बहुत खुश होंगे जी जी कैसे लगा बहुत ही खूबसूरत है जी गणपति जी तो मतलब किसी भी रूप में हो बड़े बड़े प्यारे लगते हैं अच्छा सुदीप्ता जी आज हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर्स अजय अतुल जी मौजूद हैं नमस्ते जी मैडम भाई साहब गाने सुनाते हैं आपको कभी कभी ऑफिस से जल्दी आते हैं कि नहीं के बोलते बच्चे बड़े हो गए नहीं सुनाते आप भी आगे से इनको अपना कुर्ता मत देना क्या?
सुदीप्ता जी, आपके और आपके परिवार से मिलके बहुत अच्छा लगा. ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखें. शुक्रिया. थैंक यू. एक बार जोरदार तालियां हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो हमारे साथ ऑनलाइन बने हुए थे. अजय जी, एक सवाल और है अर्चना जी का. वो जैसे बोल रही थी कि आप इतने बड़े नामी म्यूजिक डायरेक्टर आप बन गए हैं, तो यार दोस्तों के फोन तो आते होंगे कि यार मेरे बच्चे का बर्थडे, गाना गा के बाइट भेज दो. ऐसा होता है आपके साथ? होता है. आप भेजते हो? फोन कर देते कभी कभी. अच्छा, फोन कर देते हैं. मैसेज वैसे नहीं भेजते. पर आपको अगर इन्वेस्टमेंट तरीके से देखना है, जैसे अर्चना जी हैं, इनका फिक्स है बर्थडे का 300, अगर शादी का 500 है, वैसे 1100 है मतलब. और अदरवाइज किसी को शोक समाचार देना हो, उसका ये चार्ज नहीं करती है. सो स्वीट ऑफ यू. ये बोलती है कि मैं भी आपकी बहू बेटी जैसी हूँ, जो आपका मन करे साड़ी सलवार सूट आप भेज सकते. इसकी शादी पर इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये 500 देगा मुझे विश करने के लिए, वो भी नहीं दिए. मेरा अपना बड़ा खर्चा हो गया ना. अच्छा. हाँ, पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ से लोग आ गए. पर मेरा एक रियल सवाल था. नॉर्मली पार्टनरशिप बहुत मुश्किल होती है ना, लेकिन भाइयों के बीच में भी यू नो अनबन होती है कभी कभी. तो हाउ डू यू मैनेज, यू नो, डू यू फाइट ओवर एन इशू लाइक अ क्रिएटिव इशू या कुछ? एक्चुअली क्रिएटिव इशू पे कभी कोई झगड़ा नहीं होता. कई बार मतलब इतने सालों से काम करते आ रहे, तो अभी वो एक दूसरे की टेस्ट या एक दूसरे की रुझान किस तरफ है वो पता है. कई बार वो हो जाता है कि तूने ये शूज क्यों पहना, मैंने ये कपड़े क्यों पहने, इस बार का बाकी कोई झगड़ा नहीं होता. एक दूसरे के कपड़े पहनने पर झगड़ा होता है? नहीं, अभी नहीं होता, क्योंकि अभी पहन ही नहीं सकते. अभी नहीं पहन सकते. बचपन में हम दोनों के कपड़े सेम होते थे. सबके होते हैं, जिनके दो तीन भाई बहन होते ना, सबके. बिल्कुल. मैंने तो बहन की फ्रॉक भी पहनी हुई है, इसने भी पहनी हुई है. मम्मी की बड़ी इच्छा थी कि मुझे एक लड़की चाहिए, तो उसने क्या किया, मुझे ही फ्रॉक पहना के एक फोटो सेशन करवा लिया. हालांकि वो फोटो अभी मेरे पास भी नहीं है. वो अच्छा नहीं है. अच्छा 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 जी भाई, हमने एक चीज देखी, रिसर्च है हमारी पूरी फुल ऑफ, एक बंदे की टीम है हमारी, कि आप इंस्टाग्राम पे सुमोना को फॉलो करते हो. हाँ. तो हमारे शो में वही आपको टैलेंटेड लगी? या उसने ऐसे जेनिफर लोपेज का फोटो लगा के आपको गुमराह किया था? जी नहीं, जब मैंने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था जी, तो वो आता है ना सजेशंस में जो आता है. अच्छा. तो पहले आप कर ले, तो ये हाँ. तो उस वो तब की फॉलो की हुई है. मतलब आप इस बात से खुश नहीं है कि तब किया था, अब तो नहीं करता. अक्सर ना लोगों को फर्क नहीं मालूम पड़ता कि म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक अरेंजर में क्या फर्क है. हमें भी नहीं मालूम था. हमें भी नहीं पता था. अच्छा. जब तक हम लोग बॉम्बे आए तब तक हमें भी नहीं पता था. हमें लगता था कि ये सब काम एक ही आदमी ने करने चाहिए. अच्छा. क्योंकि हमने आरडी बर्मन सर को फॉलो किया है, सोचा है, देखा है, लक्ष्मी बैरे को सोचा है, देखा है, इलैयाराजा साहब को देखा है, तो हमें लगता था कि एक ही आदमी ने ये सब करना चाहिए. बाद में हमको पता चला यार तुझे तो सिर्फ ट्यून करनी है, अरेंजर कोई और होता है. हमने बोला यार ये क्यों, तो सिर्फ ट्यून करके हो जाएगा? वो तो हमने पहले से करते थे. हाँ, इसी को म्यूजिक डायरेक्टर बोलते हैं बोले. तो हमको ये सारी चीजें मालूम नहीं थी. तो हम भी उसी तरह से, जो लोगों को नहीं मालूम था, हम भी आज भी यही समझते कि ये सब म्यूजिक डायरेक्टर का ही काम होना चाहिए. हमें लगता है आज भी हमारे पास कोई असिस्टेंट नहीं. अच्छा. कोई अरेंजर नहीं, कोई अरेंजर, कोई प्रोग्रामर नहीं, सब हम ही करते हैं. हमारे लिए फिल्म की कहानी, फिल्म की स्टोरी जब तक हम लोग पूरी तरह से नहीं सुने और जब तक उसमें हम लोग पूरी तरह से नहीं घुसे, तब तक हमारे लिए गाने कंपोज करना मुश्किल होता है. और यही वजह है कि आप पूरा घुस जाते हैं फिल्म में और फिर कमाल का म्यूजिक बन के आता है. और आप कई गाने तो ऐसे लगते हैं कि जैसे 500 म्यूजिशियन बैठे होंगे, इतना खतरनाक म्यूजिक. पर ये क्रेडिट आपको जाता है भाई, बहुत बहुत. बट एक चीज है जो आपने अभी कही ना, उसके हिसाब से आई उसी को कनेक्शन में आई वुड लाइक टू से कि शायद इसी वजह से ये केबीसी का जो नया म्यूजिक हमको करने को मिला, बहुत कमाल का बना. अगेन दे वांटेड टू डू समथिंग ग्रैंडियस, सोनी ओनली, एंड दे केम टू अस, दे आस्क्ड. हमको लगा यार अब क्या करें, ये मुकम्मल अच्छा है. हाँ. अब इसमें और क्या करें, और थोड़ा सोचा, वी ट्राई टू मेड इट इवन मोर लार्जर एंड इवन मोर ऑर्केस्ट्रल. बहुत ही कमाल का. इट शुड बी, एंड देन कोरस एंड ऑल दैट, यू कैन नॉट इमेजिन. उसमें भी हमने 110 म्यूजिशियन यूज किए थे, बट अमेजिंग इट वाज, लाइक सुपर. एक बार जोरदार तालियां अजय अतुल जी के लिए. आइए सर. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.